अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। जी तो नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे खैरियत रखे और सब के रोज़े खैर खैरियत से पूरे मुकम्मल फरमाए। आज कुछ दिनों के नाम अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और गाइस, आप सबको रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा मुबारक हो। ये अशरा जहन्नुम से निजात का है। अल्लाह ताला आपको और हमें जहन्नुम के आग से निजात अता फरमाए। और गाइस, इस अशरे में लोग इतकाफ भी बैठते हैं, लोग मस्जिद में भी इतकाफ बैठे हैं और मेरी दादो भी बैठी हैं इतकाफ में। पर अब्दुल्ला काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी तो गाइस, ईद करीब है, चंद दिन बाद ईद है, तो सब ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं। बाज़ारों में भी रश है, मस्जिदों में भी माशाल्लाह रौनक आबाद हैं। और ये ईद छोटी होती है, जैसे कि हमारे इंडिया वाले गाइस देखते हैं, एक छोटी ईद होती है, एक बड़ी ईद होती है। ये जो रोज़ों के साथ होती है, ये छोटी ईद होती है। रोज़े रखते हैं और फिर रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में ईद मनाते हैं। और जो बड़ी ईद होती है वो क़ुरबानी की है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनके रिलेटेड है, तो वो उनकी कुर्बानी के तहत रस्म अदा करते हैं, सुन्नत अदा करते हैं और वो बड़ी ईद होती है। तो आप इंडिया वाले भी देखते हैं, आपका थैंक यू, मेहरबानी, नवाजिश, अल्लाह ताला सब पे रहमत रखे। तो गाइस, यहाँ पे अलियान कार्टून देख रहे हैं, देखें। डोरेमोन देख रहे हो? ईद की तैयारियाँ हो गई आपकी? और अभी थोड़ी सी रहती है। चलो तैयार होगी। कच्ची गिरी, मिट्टी गिरी, नारियल कच्ची गिरी 10 रुपए की, 20 रुपए की, छोटा पीस गिरी 10 रुपए। वही खत्म होगी।
तेरी कैसी गुजर रही है? अपनी मर्जी से कुछ सीखेगा ना। घर कितने बजे आती है ना? और यहाँ कब आती हो? 12 बजे। Yeah.
मम्मा कर आएगी पीछे जी। तो गाइस ये आपको सैर कराई है, सारी शॉपिंग हो रही थी, ईद की शॉपिंग लोग कर रहे हैं। तो ये बाजार देखें, रश बाजार का ये इसी तरह तकरीबन 10 दिन हो गए और अभी भी 8-10 दिन पड़े हैं। तो रश बाजारों में ऐसे ही है, लोग टका के शॉपिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए तो खैर, पाकिस्तानियों का तो ये माहौल है, वो तो देखते रहते हैं। जो पाकिस्तान से हटके दोस्त देख रहे हैं उनके लिए जरा ये हटके चीजें होंगी, इसलिए मैंने तफसील से स्टॉल वगैरह रेडियां वगैरह दिखाई हैं ताकि आप थोड़ा एंजॉय करें। आपके लिए ये एक नई चीज़ होगी। तो घर से भी हटके बनाया एक मशीन और काम, और वही लोग बनाते हैं तो थोड़ा ये हटके बनाया ताकि आपको पसंद आए। तो मज़ीद कोई मशवरे दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर उनके अमल करते हुए आपको मज़ीद चेंज लोग भी दिखाते रहेंगे। और इसके साथ फिर आज के लोग का एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह एक फिर नए लोग के साथ हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।